नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ज़ैपे पे पैसे ऐड करते हैं। हमने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो मेथड ऑब्सलीट हो गया है। तो अभी हम नए मेथड से आपको बताएंगे कि कैसे आप ज़ैपे पे पैसे ऐड कर सकते हो और कैसे कोई क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ज़ैपे ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी ज़ैपे ऐप को ओपन कर लिया है। यहाँ पे होम स्क्रीन पे ही आपको ये देखिए डिपॉजिट ये बटन दिख रहा है, इस पर टैप करना है आपने। यहाँ पे अभी आपके पास दो मेथड हैं अपने ज़ैपे अकाउंट पे पैसे ऐड करने के लिए। पहले तो आप सिंपल NEFT, RTGS या IMPS से अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सेवा को यूज़ करके यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दूसरा मेथड है पेमेंट गेटवे। इसमें आपको क्या होता है, सेम प्रोसेस है लेकिन पैसे जल्दी ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम है 24 घंटे के बीच बीच में आपके पैसे आपके ज़ैपे अकाउंट पे ऐड हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप तैयार हो एक्स्ट्रा पे करने के लिए, तो आप सेकंड मेथड चूज़ कर सकते हो, जिसमें आप मिनिमम 2500 रुपये ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम 5 लाख रुपये ऐड कर सकते हो। इसी तरह अगर आप पहला मेथड NEFT, RTGS या IMPS यूज़ करते हो, तो इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है। आपको 1 से 5 दिन के बीच बीच में आपके पैसे ऐड होते हैं आपके अकाउंट में। तो अभी ये आप पे है कि आपने कौन सा मेथड चूज़ करना है। आगे के स्टेप सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेथड चेंज होगा कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ कि पहला मेथड जो नॉर्मल ट्रांसफ़र है, इसको कैसे यूज़ करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे टैप करेंगे। तो यहाँ पे आपको अमाउंट एंटर करना है कि कितने पैसे आपने ऐड करने हैं अपने ज़ैपे अकाउंट पे। तो यहाँ पे मिनिमम 5000 रुपये हैं और मैक्सिमम 50 लाख रुपये हैं। और प्रोसेसिंग टाइम जैसे मैंने बताया, 1 से 5 दिन के बीच बीच में आपके पैसे ऐड होंगे। अगर आपको लगता है कि 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो आप दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो या आप पे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने चाहिए, ये सिंपल मेथड आप यूज़ कर लें। तो इसके लिए अभी मैं यहाँ पे मिनिमम जैसे 5000 है, तो मैं 5000 पे ही एंटर करता हूँ। अभी आपने नेक्स्ट पे टैप कर देना है। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शन है कि जो बैंक अकाउंट आपने लिंक किया हुआ है अपने ज़ैपे अकाउंट से, उसी से ही ट्रांसफ़र होने चाहिए पैसे। और किसी बैंक से होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे अग्री एंड कंटिन्यू। आपको पेमेंट करने के बाद पेमेंट रेफरेंस नंबर भी एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और जो भी आपने अमाउंट जैसे मैंने 5000 पे एंटर किए हैं, तो मुझे सिंगल ट्रांजैक्शन में सेंड करने हैं। ऐसे नहीं कि मैं 2500-2500 करके भेजूँ, एक ही ट्रांजैक्शन मैंने करनी है। अगर आपने 5 लाख एंटर किए हैं, तो आपने 5 लाख एक ही ट्रांजैक्शन में सेंड करने हैं। और यहाँ पे अगर आप गलती से किसी और बैंक से पैसे भेज देते हो, अपने बैंक अकाउंट से नहीं भेजते हो, तो आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे 15 दिन के बीच बीच में और आपको 500 रुपये डिडक्ट होंगे आपके एज अ पेनल्टी। और यहाँ पे अभी एक्सेप्ट पे टैप करें। यहाँ पे अभी ये देखिए बंधन बैंक का इन्होंने अकाउंट नंबर दिया है। अगर आप सिंपली अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो सीधा आप इस बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। लेकिन आगे के स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़ैपे का दूसरा अकाउंट है जिस पे वो UPI ऐप का ट्रांसफ़र एक्सेप्ट करते हैं, आपको उस पे ट्रांसफ़र करना है, इस बैंक अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आप किसी UPI ऐप जैसे भीम, पेटीएम ऐसी ऐप से ट्रांसफ़र करोगे, तो आपको इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से करोगे ट्रांसफ़र, तो इस बैंक अकाउंट पे आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम पेटीएम से करेंगे, तो उसके लिए इसको मिनिमाइज़ करके हमें अपना ब्राउज़र खोलना होगा। यहाँ पे ये देखिए पेटीएम की वेबसाइट है, इस पर उन्होंने अपने बैंक अकाउंट दिए हुए हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप ओपन करके देख सकते हो कि किस बैंक अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये वाला जो बंधन बैंक का उन्होंने अकाउंट शो किया था, रुकिए, ये देखिए उन्होंने बंधन बैंक का ये अकाउंट नंबर शो किया था। इस पर RTGS NEFT तो हो सकता है, यस लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप UPI ऐप जैसे पेटीएम, भीम से ट्रांसफ़र करोगे, तो बंधन बैंक में आप नो लिखा हुआ है, बंधन बैंक में UPI ट्रांसफ़र एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चूज़ कर लेना है या इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इस पे ट्रांसफ़र करना है। दोनों बैंक में से किसी पे भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। देखिए दोनों में यस लिखा हुआ है UPI के नीचे,
इसका मतलब कि आप इन दोनों बैंक में से किसी से भी UPI से ट्रांसफ़र करते हो तो वो पेमेंट एक्सेप्ट होगी, लेकिन आप बंधन बैंक में करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसीलिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक पे ट्रांसफ़र करूँगा। तो अभी मैं थोड़ा Zappe ऐप में वापस जाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि UPI ऐप Paytm से पैसे ट्रांसफ़र कैसे करने। यहाँ पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे ये अकाउंट डिटेल्स नोट कर लें और अपने इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से पैसे ट्रांसफ़र कर दें। तो जैसे हम Paytm से ट्रांसफ़र करने वाले हैं तो मैं अभी नेक्स्ट पे टैप करके आगे आपको बताऊंगा कि Paytm UPI ऐप से कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो अभी मैं नेक्स्ट पे टैप करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए अकाउंट नंबर दिया गया है, इसी अकाउंट नंबर से पैसे ट्रांसफ़र होने चाहिए। अगर आप भीम ऐप से भी कर रहे हो तो जो भीम ऐप से अकाउंट लिंक होगा वो यही होना चाहिए, अगर और कोई हुआ तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो अभी आपको स्क्रॉल डाउन करना है, ये इंस्ट्रक्शंस अच्छी तरह से पढ़ लें, वही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि सेम बैंक से अकाउंट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अगर आप गलत करते हो तो 500 रुपये पेनल्टी पड़ेगी और 15 दिन के बाद रिफंड होगा। तो अभी प्लीज़ डिपॉजिट ऑर्डर, इस पर टैप कर देते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए एक इंस्ट्रक्शन शो हो गई है, जब हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें स्क्रीनशॉट भी अपलोड करना होगा, अपना पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा वो हमें ऐप पे अपलोड करना होगा, फिर ही ऑर्डर सक्सेसफुल होगा। इसको अभी मैं क्लोज़ करता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं हम इसको ओपन रहने देते हैं, तो अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज़। तो अभी मैं Paytm ऐप को ओपन करता हूँ क्योंकि हम इससे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। Paytm ऐप पे मैं आपको बता दूं, अपनी भीम ऐप को आपको कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे कनेक्ट करना है तो आप इस पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो, उसका लिंक ऊपर शो हो रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि Paytm से ट्रांसफ़र कैसे करने हैं। भीम ऐप का मैं कवर नहीं करूँगा, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। तो अभी ट्रांसफ़र करने के लिए मनी ट्रांसफ़र इस पर टैप करना है आपने। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है आपने, बंधन बैंक वाला नहीं करना है। मैं वो पेज जो हमने मिनिमाइज़ किया था ओपन करता हूँ। ये Zappe की जो वेबसाइट है इस पे जो दूसरे अकाउंट दिए गए हैं आप उन पे करेंगे। यहाँ पे Zappe.com खोला हुआ हमने, तो इन्होंने यहाँ पे जो अकाउंट दिया है इन दोनों में से आप किसी पे भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी आप क्या करें, दोनों में से जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट टाइप, बेनिफिशियरी नेम, ये नोट कर लें, एक बार किसी कॉपी पे नोट कर लें इनको, और उसके बाद अपनी Zappe ऐप में जाएं। दोनों में से किसी भी बैंक को भी चूज़ कर सकते हो आप, ये आप पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में जो नंबर दिए गए इन पे ना कर दें, पहले वेबसाइट ओपन करें, उनमें शायद नंबर चेंज कर दें ये, फिर उन नंबर पे ही करें। अभी करंटली तो ये नंबर शो हो रहे हैं, इन फ्यूचर शायद वो नंबर चेंज कर दें। तो यहाँ पे अभी मैं अपनी Paytm ऐप पे जाता हूँ, वहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। पहले अकाउंट पर को मैं चूज़ कर रहा हूँ उस पर ट्रांसफ़र करने वाला हूँ मैं। Paytm ऐप, इस पर मैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, मैंने अकाउंट पेस्ट कर दिया। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट होल्डर का नाम है, बेनिफिशरी नेम यहाँ पे Zappe IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये एंटर करना है आपने। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ Zappe IT सर्विस प्राइवेट, मैंने अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर दिया है। अभी IFSC कोड हम देखते हैं, यहाँ IFSC कोड क्या है, ये लिखा हुआ है IOBA। अगर आप दूसरे बैंक से कर रहे हो तो आपको ने उसका कॉपी करना है IFSC कोड, इंडियन ओवरसीज़ बैंक वेरीफाइड। ओके, डिटेल्स एंटर कर दी अभी हमने। अभी अमाउंट, जो अमाउंट हमने Zappe ऐप पे एंटर किया था वही यहाँ पे एंटर करना है, सेम अमाउंट। अगर मैंने जैसे 5000 किया था तो मैं 5000 एंटर करूँगा, अगर 6000 किया था 6000 एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे अभी 5000 एंटर करता हूँ। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, Zappe ने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप UPI ऐप से ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो Zappe के साथ रजिस्टर्ड है वो एंटर करना होगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगी, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी रिफ़ंड लेने के लिए, तो इसीलिए ये ध्यान रखें। तो वो फील्ड ऐड डिस्क्रिप्शन या रिमार्क फील्ड ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे टैप करता हूँ और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ जो मैंने Zappe के साथ लिंक किया हुआ है। अभी नेक्स्ट आपने
पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट यहाँ पे टैप करना है इस एरो पे और अपनी यूपीआई ऐप को सिलेक्ट करना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नहीं सिलेक्ट करना है, अपनी यूपीआई ऐप को सिलेक्ट करना है। अभी फाइनली आपने ट्रांसफ़र पे टैप करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जो जैपे का अकाउंट नंबर है इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो हमने ऐड किया है वो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दोबारा एंटर करना है। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एंटर कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है तो मुझे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर दोबारा एंटर करने के बाद प्रोसीड पे टैप करें। अभी फाइनली एक बार अच्छी तरह से कंफर्म बटन पे टैप करने से पहले डिटेल्स को चेक कर लें, कितने पैसे भेज रहे हो, किस अकाउंट नंबर पे भेज रहे हो, आईएफएससी कोड क्या है बैंक का, ये सारी डिटेल्स को अच्छी तरह चेक कर लें और उसके बाद कंफर्म बटन पे टैप कर दें। अभी आपने यूपीआई पिन यहाँ पे एंटर करना है। आपको बता दूँ दो तरह की यूपीआई पिन होती है, एक आपकी भीम ऐप की यूपीआई पिन होती है और एक आपकी बैंक की यूपीआई पिन सेलेक्ट करते हो आप। आपने बैंक वाली यूपीआई पिन यहाँ पे एंटर करनी है। अभी इस बटन पे टैप करना है, दैट इज़ इट। यहाँ पे सक्सेसफुली हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो होम बटन और पावर बटन को दबाओगे एक साथ तो स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा आपके फ़ोन में। अगर आपके पास कोई और फ़ोन है तो वहाँ पे देखें कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है। तो नेक्स्ट अभी हमने जैपे ऐप पे दोबारा जाना है। यहाँ से पेटीएम से तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया है तो अभी हमने जैपे पे हमने प्रूफ डालना है कि हमने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए जाएँ। उसके लिए मैं फिर से जैपे ऐप में जाता हूँ, जो जहाँ पे हमने छोड़ा हुआ था अपनी जैपे ऐप को वहाँ पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने जैपे ऐप खोल ली। जैसे हमने IMPS किया है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। पेमेंट रेफरेंस नंबर पेटीएम ऐप पे ये देखिए UPI रेफरेंस नंबर 8105 ये जो नंबर है ये वहाँ पे आपने एंटर करना है। इसको कहीं पे लिख लें, ये UPI रेफरेंस नंबर को लिख लें और फिर बाद में जैपे ऐप में एंटर करना है आपने। तो मैंने इसको लिख लिया, अभी मैं जैपे ऐप में जाता हूँ। यहाँ से हमने UPI का जो होता है IMPS सेलेक्ट करते हैं तो मैं IMPS सेलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं रेफरेंस नंबर एंटर कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर मैंने एंटर कर दिया। अभी हमने इस कैमरा आइकॉन पे टैप करना है और जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अलाओ, यहाँ पे आप गैलरी पे टैप करें और जहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट सेव किया है उस वहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट कर लें। अभी यहाँ डन पे टैप करें। अभी स्क्रीनशॉट अपलोड हो रहा है। ये पेमेंट प्रूफ हमने अपलोड कर दिया है। अभी इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके। तो अभी हमने फाइनली रेफरेंस नंबर भी एंटर कर दिया, स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर दिया। अभी हम सबमिट पे टैप करेंगे फाइनल सबमिशन के लिए, ओके। तो यहाँ पे अभी हमने अपनी ओर से सारा जो प्रोसीजर होता है फॉलो कर लिया है हमने। अभी हम इनवॉइस पे टैप करेंगे, इसको रेफरेंस के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। क्लोज, दैट इज़ इट। यहाँ पे अभी आप बैक जा सकते हो। अभी वेट करें जब तक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते। यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस है अभी मेरा INR, तो ये जब पैसे ऐड होंगे 1 से 5 दिन के बीच बीच में मेरे अकाउंट में पैसे ऐड होंगे तो फिर मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो यहाँ पे अवेलेबल है मैं उसको बाय कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे और इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब